हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिससे आपको बच के रहना चाहिए और रीज़न भी बताऊंगा कि आप समझदार हो दोस्तों क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने मैं लेके आता हूं दोस्तों। ये स्टॉक का नाम है दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब मैं आपको एक चीज़ सीधा सीधा बता देता हूं दोस्तों, चाहे जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो सब कुछ बंद कर दिया गया है। और ये कंपनी दोस्तों अभी लास्ट क्वार्टर से रिजल्ट भी इसका जो है थोड़ा बहुत 1% के आसपास, 1 पॉइंट कुछ% के आसपास जो है ये अपर सर्किट में गया है दोस्तों। ठीक है, 1% 67 के आसपास ये अपर में गया है। लेकिन दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट का अगर हम बिजनेस मॉडल देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक ने 1 ईयर मतलब एक साल के अंदर में 59 अराउंड 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर में तो बहुत बड़ा नुकसान दे दिया है दोस्तों, लगभग 63% के आसपास, 64% के आसपास, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और डायरेक्ट अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखा तो ये था, उसके बाद धड़ाक से नीचे गिर गया। अब बताइए ये जो है दोस्तों ये कहाँ से रिकवर करेगा, बताइए वो भी। और आपको तो पता है कि अभी जितना जनता कर्फ्यू आपको देखा जा रहा है, सब कुछ बंद है। छोटे छोटे किराना शॉप आपके बगल में जो छोटे छोटे दुकान हुआ करती थी या शॉप हुआ करते थे, सब बंद है, सब क्लोज है। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो पूरा ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी कंपनी से आपको दूर रहने के लिए, उसके पीछे एक वजह भी है। देखिए अभी जो जनता कर्फ्यू मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रोक लगाया है 21 डेज़ के आसपास, ठीक है, कि हमें किस दिन तक घर से बाहर ना निकले। लेकिन दोस्तों ये इसलिए लगाया गया है ताकि कोरोना को हम कंट्रोल कर सकें। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डेट बढ़ाया भी जा सकता है, कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्राइमरी लाइफ, सेकेंडरी मनी या अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे कंपनी आज के डेट में आपको देख रहे 16% का अपर सर्किट दिखा है। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक की हालत तो आप देख ही रहे दोस्तों, पहले आता है 5 रुपये के आसपास, उसके बाद चला जाता है 74 रुपीज़ का हाइस बनाता है। लेकिन अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं तो 1% भी किसी को प्रॉफिट नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट नहीं देगा, मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखो, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है। आप देख लो HDFC बैंक को देख लो, ठीक है, HDFC बैंक का देख लो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। अगर आपको बिलीव नहीं है मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके सामने मैंने ला दिया है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक दोस्तों, HDFC बैंक का देख सकते हैं 52 वीक हाई मारा था, कितना 1300 का। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस स्टॉक का प्राइस कहाँ तक आ गया दोस्तों, 700 के आसपास आया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यस बैंक से दूर रहने के लिए, क्योंकि अभी सारा बिजनेस और इकोनॉमिक गिरते जा रहा है, इसलिए दोस्तों मनी का ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहा है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं जाएगा, हाँ जैसे ही मनी का ट्रांजेक्शन और लेन देन स्टार्ट हो जाएगा, जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखिए एक्स्ट्रा एटीट्यूड तो सबके पास होता है, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखिएगा तो आपकी ही जान बचेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यस बैंक को अवॉइड कीजिए। उसके बाद टाटा मोटर को मैं बोलूँगा, भाई टाटा मोटर्स को अवॉइड करो, थोड़ा दूर रहो। इसलिए दूर रहो क्योंकि टाटा मोटर्स पहले जब भी कोई भी काम करता था तो दोस्तों 100% ये सक्सेसफुल हुआ था। इसका बिजनेस मॉडल देखिए, ये ट्रेन के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते थे, वहाँ से दोस्तों इन्होंने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में उतरा, उसके बाद दोस्तों पैसेंजर सिस्टम में उतरा, हर एक जगह इनको सफलता मिली। इतनी बड़ी सफलता मिली दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता मिली कि स्टॉक का प्राइस आसमान छूने लगा। लेकिन अचानक अचानक दोस्तों ये इंडिया छोड़ने का प्लान किया, और दोस्तों हमारे इंडिया को छोड़ने के बाद बहुत सारे UK US के आसपास ये जाना स्टार्ट किया, और इसका बिजनेस चल रहा था लेकिन फिर चलने नहीं दिए वहाँ के लोग, तो वहाँ पर उनको नुकसान हुआ। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो चाइना की कितनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इनका चाइना में भी नहीं चल रहा। और उसके बाद अगर हम देख लेते हैं इंडिया, तो दोस्तों इंडिया की भी बहुत बुरी हालत है। ऑटो सेक्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी कोई शोरूम नहीं जा रहा, शोरूम बंद है, घर से बाहर निकलना मना है। और अगर कंपनी मान लीजिए कि 1 महीने के लिए बंद रहेगी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये स्टॉक में इतनी वीकनेस है कि दोस्तों 240 रुपीज़ का हाइएस्ट मारा था, 240 रुपीज़ का हाइएस्ट मारा था, और फिर से दोस्तों इसने 63 रुपीज़ का लेवल दिखाया। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट है, कितनी बड़ी गिरावट है। तो क्यों गिरावट है, क्योंकि IRCTC के देख लो दोस्तों ये 2000 में चला गया था, ठीक है, लेकिन वापस दोस्तों ये स्टॉक कितने में आ गया, वापस दोस्तों ये
स्टॉक 800 के आसपास आने के लिए तैयार है। तो क्योंकि अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो सडन फॉल तो स्टार्ट ही हो जाएगा, इसलिए आपको टाटा मोटर को भी अवॉइड करना है। देखिए आपको भी पता है इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक को अवॉइड करने के लिए, बाकी पब्लिक है सब जानती है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो दोस्तों VLR लॉजिस्टिक दोस्तों, लॉजिस्टिक जितना भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है नहीं चल रहा। जहाँ तक हम बात कर लेते हैं, अगर गड़े मुर्दे उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं VLR लॉजिस्टिक का, तो इन्होंने तो भाई बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा लॉस दिया है कंपनी ने, एक मिनट खुल जा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, अराउंड 50% का लॉस दिया है, 50% का लॉस दिया है एक साल में, 1 मंथ के अंदर दोस्तों 40% का लॉस दिया है। ये एक साल का है, ठीक है। अगर 2 साल का, 2 ईयर्स का अगर इसका ये देखेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं, 2 ईयर्स का भी अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो उसमें भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। देख सकते हैं स्टॉक का हाइएस्ट था 316 रुपीज़, अभी चला दोस्तों 130 रुपीज़, ठीक है, मतलब मोर देन 50% स्टॉक गिर चुका है। यहाँ पर देखिए 50% का आपको दिखाया भी जा रहा, तो मैं बोलूँगा कोई भी लॉजिस्टिक बिजनेस अभी नहीं चलेगा जब तक जनता कर्फ्यू नहीं हट जाता। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। और उसमें इंक्लूडेड है एक ACC भी, ठीक है, ACC का भी रिजल्ट भी आ चुका है दोस्तों, रिजल्ट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या करें, बिजनेस बंद है तो लॉस होगा। मैं ये सब आप लोगों के सामने इसलिए लाया जिसमें वीकनेस ज़्यादा है, और ऊपर से दोस्तों गवर्नमेंट तो रोक लगा ही रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक आप लोगों के साथ सामने लाया कि जिस स्टॉक में बुलिशनेस ना हो, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, और ऊपर से गवर्नमेंट अगर उसको दबाव दे रही है तो गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक में दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग हो और दोस्तों अपर साइड में चल रहा हो, अपर ट्रेंड में, और थोड़ी बहुत अगर उसको गवर्नमेंट दबा भी देता है तो हो सकता है दोस्तों स्टॉक यहां से यहां चले जाए। लेकिन भाई फिर तो चला जाएगा अपने लक्ष्य में, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखिए, ताकि देखिए आने वाले मार्केट में भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन कौन से स्टॉक को खरीदना है, सिलेक्शन करना है, उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाता रहूंगा और आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा नॉलेजेबल है, तो लाइक कीजिए और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।